मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। अडानी विवाद को लेकर केंद्र सरकार के सुझाव को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अडानी मामले को लेकर टकराव हो सकती है। उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए खुद एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। सरकार ने सीलबंद लिफाफे में एक्सपर्ट पैनल का सुझाव दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अडानी के मामले में कहा कि जांच के लिए बंद लिफाफे में सरकार की तरफ से भेजे गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुनवाई हुई। सेबी के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम और उनके अधिकार पर जजों को सुझाव सौंपे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए, लेकिन बाजार पर इसका असर न पड़े। किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट फैसला ले सकता है। सीजीआई ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं वो दूसरे पक्ष को न दिए गए तो पारदर्शिता की कमी होगी, इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान वकील विशाल तिवारी ने कहा कि कंपनियां अपने शेयर की ज्यादा कीमत दिखाकर लोन लेती हैं, ये भी जांच के दायरे में होना चाहिए। वहीं इस मामले में वकील एमएल शर्मा ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग की जांच हो। सीजीआई ने कहा कि आपने याचिका दायर की है तो बताइए कि शॉर्ट सेलर क्या करता है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने का सुझाव दिया था, जिस पर केंद्र सरकार ने सहमति जताई थी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि सेबी और दूसरी नियामक संस्थाएं इस तरह के हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और सक्षम हैं, लेकिन कोर्ट अगर अपनी ओर से कोई कमेटी का गठन करता है तो भी सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कमेटी के लिए प्रस्तावित नामों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी जाए, लेकिन अब कोर्ट ने इसे पारदर्शिता से जोड़कर खुद कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में उठापटक का दौर जारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियां 85% ओवर वैल्यूड हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अडानी समूह दर्शकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में 70% तक की गिरावट आ चुकी है। इससे पहले अडानी समूह का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट चुका है। शेयरों में आई सुनामी का असर अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी पर भी साफ दिखाई दिया है। 24 जनवरी को जब ये रिपोर्ट आई थी, उस समय गौतम अडानी पैसे के मामले में दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी गिने जाते थे, लेकिन अब गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में 20 पायदान फिसलकर 24 नंबर पर आ चुके हैं और 16 फरवरी की उनकी कुल संपत्ति 4.39 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।